सुमित फ्लेम गैस चूल्हा ब्राइड मोल्डिंग वर्क कंपनी के तहत निर्मित है। आज हर तरह के गैस चूल्हा पिछले 20 वर्षों से बना रहे हैं। घरेलू किचन से लेकर बड़े छोटे होटलों में भी चूल्हों की सप्लाई है। कंपनी के सीईओ सुमित बताते हैं, हमारा कई अन्य देशों में भी निर्यात है। उन्होंने बताया, हमारे चूल्हे मजबूत और किफायती होते हैं, जो LPG 40% बेकार हो जाती थी उस पर भी काफ़ी बचत करता है। dailynewsonline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। सुमित उद्योग प्राइवेट लिमिटेड हमारा 20 साल पुराना कंपनी है, 20 ईयर्स ओल्ड कंपनी। और वी आर स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली ओनली। अभी उसके बाद हमारा एक यूनिट परवानों में भी है। हमारी सिस्टम कंसर्न है वृंदावन प्लेसेस, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है। और हम तीनों ऑयल कंपनी HP भारत गैस इंडियन में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्टोव्स, जो कि बेनिफिशरी को फ्री पहुँच जाते हैं। और यहाँ भी अपना हमने स्टोर लगाया है और हर साल वाइब्रेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं। पैन इंडिया हमारा नेटवर्क है, 24 स्टेटों में हमारा स्टोव जाता है, गैस स्टोव्स। और हम एक्सपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में। और हमारे पास 150 से ज़्यादा वेराइटी है गैस स्टोव्स की, और हर रेंज के, हर वेराइटी के स्टेनलेस स्टील ग्लास स्टोव, सब स्टोव से हमारे पास बिल्ट इन होम भी हम बना रहे हैं। सर, वाइब्रेंट इंडिया लगातार होम मेड, होम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए बहुत बड़ा एक मेला लगाता है, जिसमें B2B होते हैं, बिजनेस मिलता है, लोग आते हैं, देखते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो आप कितने समय से इसमें लग रहे हैं, और वाइब्रेंट का जो प्लेटफॉर्म मिला है उसमें आपको कितनी सफलता मिली है अपने काम के लिए? ये हमारा 8वां स्टॉल है, 8वीं बार हम लगा रहे हैं, और हर बार हमारे स्टोर का साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें रिस्पॉन्स आता जा रहा है। क्योंकि हमारा डीलर यहाँ पे, डीलर केरला से भी आ रहे हैं, आसाम से भी आ रहे हैं, और श्रीनगर से भी आ रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि होम प्रोडक्ट्स का या हाउस वेयर्स के बहुत कम अभी भी फेयर है इंडिया में, तो मैं तो चाहता हूँ और ग्रुप भी आएँ और फेयर लगाएँ। अभी वाइब्रेंट इंडिया केला ऐसा कर रहा है, और ये मेरे हिसाब से बहुत सक्सेस है। तो सुमित उद्योग किस तरीके से अपने आप को इनोवेशन करता है नई नई चीज़ों के लिए? क्योंकि किचन का जो आइटम आप बना रहे हैं, चूल्हा जिसे कहते हैं, बहुत सिक्योरिटी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि घर के अंदर चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या क्या नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? देखिए, हमारा हर प्रोडक्ट हमारा 3-layer टेस्टिंग से गुजरता है, और हर हमारे यहाँ कोई रैंडम चेकिंग नहीं है। ईच एंड एवरी पीस इज स्क्रूटनाइज, हर पीस चेक किया जाता है। और रही बात इनोवेशन की, तो हमारा ये अभी मकसद है कि हर 15 दिन में एक नया मॉडल हम लॉन्च कर देते हैं, और ये प्रथा चली आ रही है, और इसलिए हम ग्रो कर ही रहे हैं। पर ये बताएं, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स रखे हैं BIS से, BIS ISI, तो आप कैसे सूटेबल करते हैं कि ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट ने जो रखी है ठीक है? बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ रखी है। कितना फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इनपुट टैक्स बढ़ जाता है कई चीज़ों में, इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ रहा कि यूनिवर्सल है सभी के लिए, यूनिवर्सल के लिए। तो इसलिए इम्पैक्ट, अगर मान लो किसी चीज़ से इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सभी के लिए बढ़ रहा है ना। अब जो हमारा 18% GST है तो वो सभी के लिए 18 ना, ऐसा तो नहीं एक ग्रुप के लिए 18, एक ग्रुप के लिए 15, एक के लिए 12, एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहना चाहेंगे, और गवर्नमेंट से आपको क्या इनिशिएटिव मिले कि कुछ हो कुछ? और देखिए, GST इस पे कम करना चाहिए, जैसे होम प्रोडक्ट्स है, उज्ज्वला स्टोव है जो
जहाँ जिस ग्रहणी के पास स्टोव है ही नहीं आज तक, और जो लकड़ी से चूल्हा जलाती है उसके लिए तो एक चूल्हा होना ही बहुत बड़ी बात है। और उस चूल्हे पे हालांकि उसको ठीक है सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे हिसाब से कि 990 या 1000 रुपये MRP से कम के स्टोव पे GST हटा देना चाहिए या 5% होना चाहिए। आपके पास सबसे कम से कम और हाईएस्ट प्राइस में क्या है? हमारे पास 990 रुपये से स्टार्ट है स्टोव, और हाईएस्ट हमारे पास 9990 तक का स्टोव है। तो कुछ और नया लाने के विचार आ गया टाइम में, जैसे आपको स्टोव मिला, स्टोव मिला भी है? हाँ देखिए, अभी अब किचन को इसको और स्मार्ट बनाना है, बिल्ट इन होब लेके आना है। बिल्ट इन होब तो हम ले आए हैं, अब इसके ऊपर हमें रेंज हुड यानी चिमनी है जो अभी भी इंडिया में मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होता है, तो हमारा ये मोटो है, ये थ्राइव है कि उसको भी हम इंडिया में बनाएं और अपनी कंपनी समूह को जो ऊंचाइयों के लिए हमारी।